गाइस वीडियो में आगे चलते भाई उसी के साथ बात करना चाहेंगे। तो देखो भाई सॉरी सबसे पहले तो कि वीडियोस मैंने कल नहीं डाली। रीजन था गाइस कि मैं चाह रहा था मैं थोड़ा सा और रैंक पुश कर लूं, क्योंकि मैं डायमंड 2 पे ही था। मैंने जितना सोचा था उतना प्लस लगा नहीं मेरा कल के दिन में। डायमंड 5 से फिनिश किया था और डायमंड 2 तक ही पहुंचा था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा और एक्स्ट्रा खेला और कल रात में ही डायमंड 1 शायद से मैंने लगा दिया था। बाकी अभी के लिए देखो मैं करंटली हूँ क्राउन 5 के 50 पॉइंट्स पे। आज दिन में मैंने ज़्यादा नहीं खेला है, जैसा भी चीज़ें मैं आगे मैच में आपको कंटिन्यू बता दूंगा। बाकी अभी के लिए देखो यहाँ पे मेरा एक बंदे से फाइट हो रहा है और आपके सामने ही मैंने एक जस्ट बंदे को मारा यहाँ पे, तो देखना ये फाइट मैं कैसे निकालने वाला हूँ। बाकी गाइस इस वीडियो में हम अभी और भी बहुत सारी चीज़ें बात करने वाले हैं और 3 मैच मैंने इसमें 3 गेम प्ले इंक्लूड कर रखा है। तो आज की वीडियो कैसी रहती है भाई जरूर से बताना। और भाई अभी आपको ऐसे ही और अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेगी, मतलब यार एकदम तगड़े तगड़े वाले गेम प्लेस में बहुत गंदे तरीके से सर्वाइव कर करके भाई अच्छे खासे किल्स निकाल के बहुत सारे गेम प्लेस बना के रखा हुआ हूँ। और होप सो अब मुझे ज़्यादा मैचेस नहीं खेलना पड़ेंगे, क्योंकि मेरे पास पुराने गेम प्लेस पड़े हैं, मैं उसको अपलोड करता रहूँगा धीरे धीरे। और अभी मैं थोड़ा सा कम रैंक पुश करूँगा, बिकॉज देखो दिन में 8-8, 10-10 घंटे खेल के मैं 400-500 या 600 प्लस तक लिया फर्स्ट 1-2 दिन में। बट अभी मुझे लगता है मैं आराम से खेलूँ तो भी चलेगा, क्योंकि अब PMGC आ गया है तो मुझे वो भी देखना रहता है थोड़ा सा। तो गाइस चलिए अभी हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे टॉपिक के बारे में, जो कि है गाइस जोन में किस तरीके से रोटेशन देना है। और खास करके सोलो कॉन्करर पुशिंग की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि भाई थोड़ा सा यहाँ पे अलग ही सीन रहता है। एज पे खेलने पे भी लॉस हो जाता है क्योंकि बंदे कैम करते रहते हैं, और भाई सेंटर खेलने में भी नुकसान हो जाता है क्योंकि भाई बहुत अंधा पुश हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें मैं अभी आगे वीडियो में फर्दर एक्सप्लेन करूँगा। बाकी यहाँ अभी के लिए देखो ये मैच गाइस मेरा प्लैटिनम टीयर पे था, प्लैटिनम 1-2 जो भी हो, मेरे को प्रिसाइजली याद नहीं है। बट ये मैच मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि देखो भाई ऐसे जोन्स कभी कभी बन जाते हैं रोजॉन्ग ब्रिज के पास, वाटर सिटी ब्रिज के पास या यहाँ पे, तो भाई काफ़ी दिक्कत हो जाती है लोगों को सर्वाइव करने में। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, तो वो चीज़ आप यहाँ से सीख सकते हो अच्छी तरीके से। बाकी अभी के लिए बता दूँ तो देखो यहाँ ऊपर जो बंदा था जिसने मेरे बग्गी का टायर फोड़ा था एकदम स्टार्टिंग में, अगर आपको ध्यान हो तो वो बंदा यहाँ पे छलांग मार देता है नीचे पानी में, तो मैं उसकी पोजीशन पे पीछे से घूम के आ जाता हूँ। और ये काफ़ी सही डिसीजन था, जस्ट बिकॉज देखो पानी में अभी करेंटली 3 बंदे हैं, 1 मैं हूँ, 2 बंदे पेट्रोल पंप पे झगड़ा कर रहे हैं। तो ओवरऑल मुझे अभी सारे बंदों की पोजीशन यहाँ से पता चल चुकी थी, तो मैं कहा भाई ऊपर चला जाऊँगा तो शायद से नेड वेड करके किल करने का मौका मिल जाए। बट यहाँ पर कुछ ऐसा होता नहीं और सारे बंदे ही जोन में निकल जाते हैं। और अभी के लिए यहाँ पे देखो पेट्रोल पंप का जब भी ऐसा सीन हो ना जोन कभी भी हार्ड शिफ्ट लेके दूसरी साइड चला जाए, तो आप ट्राई करा करना कि भाई अपनी गाड़ी को लेके पानी में कूदा दो। और भाई ये चीज़ भी ध्यान देना कि आपसे पहले का अगर कोई पानी में बैठा होगा तो वो आपको दे देगा, तो भाई क्योंकि गाड़ी में सीट चेंज करके घर निकलती है, तो ये चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो। और मोस्टली ऐसे केसेस में ब्रिज क्रॉस मत किया करो, नीचे से आया करो, ज़्यादा बेटर रहता है वो। तो अभी के लिए देखो यहाँ पे मुझे कुछ इजी किल मिलने वाले हैं और अब मैं यहाँ से एक्सप्लेन नहीं करूँगा ये गेम प्ले को, अभी मैं छोड़ता हूँ आप लोगों पे, आप खुद से रियलाइज़ करो मैं यहाँ पे क्या चीज़ें कर रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ। बाकी मेरा इस मैच में गाइज लास्ट में थोड़ा सा चोक हो जाएगा तो देख लेना वो चीज़। बाकी अभी चलते हैं हम अपने टॉपिक पे, जो कि है भाई जोन का सेंटर खेलना है कि एज खेलना है और कैसे खेलना है। तो भाई देखो मेरी प्रायोरिटी जो भी रही थी, मैं जब तक लोएस्ट टीयर पे था तब मैं ड्रॉप लूटने का ट्राई करता था, और अभी के लिए ड्रॉप लूटने का कोई टेंशन नहीं है क्योंकि ग्रोज़ा कहीं से भी मिल जाती है और वो शॉप वगैरह जो आई है उस सब में से, तो भाई उतना कोई सीन रहता नहीं। तो अभी मैं कैसे खेलता मैं बताता हूँ। देखो स्टार्टिंग के 2 जोन मैं फुल टाइम पास करता हूँ, क्योंकि देखो उस 17 मिनट में कोई बंदा आपसे फाइट नहीं करना चाहेगा, आप किसी पे पुश भी करोगे तो वो TPP लेता रहेगा, फाइट को डिले ही करेगा वो, तो ऐसे सिचुएशन में फाइट करने का कोई सेंस नहीं बनता। किसी पे अंधा पुश करोगे भाई, मतलब सामने से जाओगे तो उसको TPP एडवांटेज देके आप खुद भी मर सकते हो, सोलो है भाई, यहाँ पे रिस्क लेने का कोई सेंस भी नहीं है।
तो स्टार्टिंग के दो जोन में सर्वाइव करता हूँ, जिससे होता क्या है कि अगर मैं जाते ही जैसे ही जोन निकलूँ और मर भी जाऊँ तो भी मुझे 2-3 का प्लस मिल जाता है, एटलीस्ट क्राउन 5 तक तो मिल ही जा रहा है। तो स्टार्टिंग के दो जोन में आपको भी कहूँगा कि भाई आप किसी तरीके से भी खेलो, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, आपका हाई एंड डिवाइस है, लो एंड डिवाइस है, आपका गन गेम अच्छा है, ख़राब है, चाहे जैसा भी हो, बस आप इस तरीके से खेल सकते हो। बट अभी बात करते हैं गाइस कि थर्ड जोन से आपको क्या करना है। तो देखो गाइस, जैसे ही थर्ड जोन बनता है आपको ट्राई करना है आप अपनी गाड़ी लेकर जल्दी से जल्दी निकल जाओ और थर्ड जोन का सेंटर नहीं बोलूंगा मैं, थर्ड जोन के सेंटर के पास में जाके गाड़ी घुमाते रहो। देखो गाड़ी जाके आप कंपाउंड पे रोक दोगे तो कभी कभी क्या सीन होता है, बंदे होते हैं वहाँ पे और आप फंस जाते हो, उस कंपाउंड से निकल नहीं पाते, तो ये चीज़ का आपको नोटिस करना है, डायरेक्ट कंपाउंड में नहीं रुकना, गाड़ी घुमाते रहना थर्ड जोन। जैसे ही चौथा जोन बनता है, चौथे जोन का जो सबसे सेंटर का नज़दीक का बिल्डिंग हो, जैसे सेंटर से सटा हुआ जो भी बिल्डिंग मिलता है आपको अगर खाली है तो वो पोजीशन ले, अगर वो शॉर्ट है या सिंगल कोई बिल्डिंग है तो भाई सबसे बढ़िया है वो, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। और मैं फोर्थ जोन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो थर्ड जोन जब हार्ड शिफ्ट लेता है तो काफ़ी दूर चला जाता है, लेकिन फोर्थ जोन जब हार्ड शिफ्ट भी लेगा ना तो भी थोड़ा सा कम ही दूरी रहती है, लाइक 40-50 मीटर ही दूर आपके आगे जाएगा, आप कितने दूर में देख के कवर कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, चीज़ें आप समझ सकते हो। बाकी ये वाला गेम प्ले भी आप देखते जाओ, यहाँ पे भी मैं ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन कर नहीं रहा हूँ आपको। और भाई जैसे कि मैं बता रहा था, और एक चीज़ आपको और नोटिस करनी है, देखो कुछ जोन्स होते हैं जैसे कि ये वाला फार्म पे जो बनता है, ये जोन गाइज मैंने बहुत खेल रखा है और भाई सच बता रहा हूँ मैं हमेशा इस पोजीशन पे रहता हूँ। मैं फार्म के आसपास का जैसे ही जोन बनना चालू होता है, ये एरिया अगर थोड़ा बहुत भी सेंट्रलाइज दिख रहा है मुझे, मैं सबसे पहले यही चाहता हूँ भाई, मैं सच बता रहा हूँ इस पोजीशन पे बहुत ज़्यादा टाइम होता है कि कोई भी नहीं रहता, मतलब वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड जगह है। और अगर आप यहाँ पे सही से खेलो तो भाई कार स्प्रे से आपको अच्छे खासे किल भी मिल जाते हैं। बाकी अभी देखना लास्ट जोन भी मेरे पे यहीं पे बनता जाता है, तो ये सब पोजीशन गाइज आपको ध्यान रखनी है कि कहाँ पे शैक है, कैसे है। और गाइज एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो शैक वगैरह होल्ड करते टाइम एक चीज़ नोटिस करना कि आपके पीछे कोई हिल या रिज तो नहीं है, और अगर रिज और हिल है तो हिल पे अगर कोई बंदा आता है तो भाई वो आपको नेड करके आराम से छोड़ देगा। तो ऐसी सिचुएशन में ट्राई करना कि सबसे पहले उस बंदे को निपटाओ और या फिर वहाँ से वो जगह तुरंत छोड़ के भाग जाओ, क्योंकि वो बंदा एक नेट डालेगा, आप लिटरली कुछ नहीं कर पाओगे। तो ऐसी सिचुएशन में भाई आपको थोड़ा सा ध्यान रख के सेंटर खेलना होता है, सेंटर अंधा भी नहीं होता कि भाई सेंटर पहुँच जाओ और सबको मारना चालू कर दो, नहीं भाई वहाँ पे थोड़ा सा स्टेबल होके खेलना। आप ट्राई करना है कि जो आप पे पुश करने वाला है, जैसे आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये बंदा आ रहा है, इधर ही आ रहा है, उस पे कार स्प्रे दो भाई, उसको उतार दो या डैमेज दे दो और फिर आपकी फाइट वो एडवांटेजियस हो जाएगी थोड़ी सी। बाकी ओवरऑल देखो यही चीज़ थी, ज़्यादा कुछ इस पर एक्सप्लेन करने लायक है नहीं, बाकी तो सब कुछ देखो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, सेंटर में बंदा है नहीं है, जोन ओपन है या फिर कंपाउंड वाला है। अगर जोन ओपन है तो भाई ट्राई करो कि सेंटर मत जाओ, क्योंकि देखो ओपन जोन में सेंटर लेना मतलब चार तरफ से पड़ेगी, कुछ भी नहीं कर पाओगे, गाड़ी और पत्थर का कवर लगा के नहीं बच पाओगे भाई ऐसी सिचुएशन। तो ओपन जोन है H2H खेलो, कंपाउंड है या कोई शैक है जोन तो वो जल्दी से जल्दी पकड़ लो। बाकी गाइस एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, फोर्थ जोन के बाद जैसे ही फोर्थ जोन क्लोज इन हो जाता है, पांचवा जब बनता है ना भाई, उस जोन में सेंटर में अगर जाओगे कि मतलब आप सोचो कि उस टाइम पे मैं सेंटर में गाड़ी ठोकूंगा और जिंदा बच जाऊँगा, तो लाइकली तो भी थोड़ा सा मुश्किल ही रहता है, क्योंकि उस सिचुएशन में होता क्या है भाई, हर घर में 1-2 बंदे पहुँच ही चुके रहते हैं, आप वहाँ ठोकोगे तो भाई दिक्कत आपको होगी। तो याद कर लो, तीसरे जोन में आ जाना है, गाड़ी नहीं रोकनी, गाड़ी घुमाते रहना, जैसे ही चौथा जोन बनता है चौथे जोन का सेंटर पकड़ो, बात खत्म और सबको मारो, बस ये चीज़ आप ध्यान रखना। बाकी तो गाइस गेम प्ले देख के आपको थोड़ा बहुत चीज़ें आइडिया लग ही जाएगा, बाकी थोड़ी चीज़ें होती हैं गाइस सिचुएशन पर भी डिपेंड करती हैं कि आपको कैसी पोजीशन मिल रही है, गन कैसी है, आप पे लूट मिली है कि नहीं मिली है। तो ओवरऑल अभी के लिए इस मैच की बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे देखो मैं कर रहा था ब्रिज कैंप, और मैं ये ब्रिज कैंप गाइस एकदम डेथ जोन तक करने वाला हूँ, क्योंकि देखो अभी कुछ सीन ऐसा है कि लॉबी उतनी कुछ खासम खास आ नहीं रही है। आज 1-2 लॉबीज आई मेरी गाइस जो थोड़ी सी डिसेंट 30-40 अलाइव वाली, बट उतनी अच्छी भी नहीं थी। तो मुझे तो भाई पहले से एक्सपीरियंस है कि भाई बंदे कितना लेट आते हैं ब्रिज से, तो मैंने डिसाइड किया था कि भाई एकदम लास्ट तक यहाँ पे रहूँगा, जितने बंदे आएंगे सबको चिपकाया जाएगा और मैं उसमें बहुत हद तक कामयाब भी हो जाऊँगा, यहाँ पे देखना आप। बाकी अभी देखना यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक मस्त दिमाग लगाया था गाइस, वो पीछे सामने के साइड में आप मैकलरन अगर देख पा रहे हो तो वो मैंने ही खड़ी करी थी, और इससे क्या हुआ गाइस कि पीछे के साइड से कोई बंदा आके ब्रिज कैंप मेरा नहीं करता है, जैसे जहाँ पे मैंने अभी स्कोप किया वहाँ पे कोई बंदा नहीं आता, क्योंकि उनको पीछे से अगर कोई बंदा देखा होगा मेरी मैकलरन तो उसको लग रहा होगा भाई मैं ट्रक में बैठा हूँ, तो वो क्यों ही पुश करेगा वहाँ।
तो इससे मेरा थोड़ा सा फायदा हो जाता है और अभी मैं इजिली यहाँ पे इस ब्रिज से भी निकल जाऊंगा। बाकी अभी देख रहे हो मेरे पे तो एमओ वैमो कुछ भी नहीं है, क्योंकि भाई मेरे को लूटने का मौका मिला ही नहीं किसी को। और अभी ये गाड़ी की फ्यूल खत्म हो जाएगी तो मैं मैकलेरन उठाता हूँ, सीधा जोन में निकलता हूँ। बाकी अभी जोन के अंदर देखना भाई, थोड़ा सा बवाल मचने वाला है। तो वैसे गाइज आप लोग किस टीयर पे हो करंटली बता दो। मैं तो करंटली क्राउन 5 पे 50 पॉइंट्स पे हूँ। आज के दिन में मैंने 150 का प्लस लिया, बहुत कम है आई नो। और मैंने गेम के गाइज 6-7 या 8 मैचेस खेलेंगे मैक्सिमम, जिसमें से 3 शायद मेरे चिकन निकल गए। और भाई अच्छे मैचेस गए, बहुत तगड़े तगड़े मैचेस गए भाई। और एक मैच तो लिटरली मैंने बहुत गजब ही सर्वाइव किया था। और गाइज वैसे आप लोग में से अगर किसी को डाउट हो रहा हो, मैंने इंस्टा पे एक रील स्टोरी डाली थी कि जिसको भी ग्रोजा से मैं 1 HP हो गया था, तो वो वाली वीडियो गाइज मैं कल डाल दूंगा, क्योंकि वो थोड़ी सी अच्छी वीडियो थी। तो मेरे को लगा कि इस चीज़ में इंक्लूड करूँगा तो गेम प्ले उतना इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा, तो मैं वो वीडियो को कल डाल दूंगा। और आप लोग का रैंक पुश कैसा चल रहा है गाइज कॉमेंट सेक्शन में बताओ, और देखते हैं गाइस। वैसे तो मैं आज PMGC देख रहा था, गॉड लाइक की परफॉर्मेंस देखी मैंने, थोड़ा सा नॉर्मल डे जा रहा है उनका, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। अभी के लिए देखो यहाँ पे भाई जोन बन चुका था और मेरी गाड़ी यहाँ पे गलती से स्किड हो जाती है, और मैं देखता हूँ तो भाई ये स्क्वाड हाउस खाली था। मतलब किस्मत देख रहे हो, यहाँ स्क्वाड हाउस पे कोई बंदा ही नहीं है, और स्क्वाड हाउस ही क्या, लेफ्ट वाले में भी कोई नहीं है। तो मैं तुरंत से आके यहीं पे गाड़ी लगा देता हूँ। और अभी के लिए देखो मैं एज पे आया हूँ, ये शायद से 4th या 5th जोन ही है, मुझे जहाँ तक लगता है ये 5th या 6th जोन है। तो इस सिचुएशन में मैं सोचता कि सेंटर वाला घर पकड़ूंगा ना, तो भाई बहुत फूटा जाता। तो अभी के लिए देखो यहाँ पे एक बकरी रुकी थी जिसको मारने के लिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। और यहाँ का इस पीछे से मेरे पे होने लगता है थर्ड पार्टी। और देखो इस सिचुएशन में यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रुकता हूँ, जस्ट फॉर अ रीजन, अगर वो बंदा भाई बाहर कूद गया ना तो वो फिर वहाँ पे मैं मर जाता, इसलिए मैं तुरंत से भाग के यहाँ पे आ जाता हूँ। और आपको गाइस एक चीज़ मैं और बता दे रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लगातार बोले जा रहा हूँ। और ये बंदा गाइस देखो अभी के लिए गाड़ी लेके जोन में जा चुका है, जोन आ रहा था, इसको मारने के चक्कर में मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ और मेरे पे एमो भी कम बची हुई है। और देखो इस बंदे को मैंने बहुत लो किया था लिटरली सच में, और एक हेड एक बॉडी लगा, शायद से मर जाना चाहिए था, लेकिन एक हेड एक बॉडी में कौन ही मरता है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ भाई, और अभी के लिए मुझे डर लग रहा था खाली पीछे वाले बंदे से। और देखो ये थोड़ा सा गाइस कॉम्प्लिकेटेड हो गया मेरे लिए, क्योंकि राइट में एक बंदा जो कि मौली खींचता है अभी, और मुझे लगता है वो मेरे पे खींच रहा है, बट वो भाई घर वाले को मारना चाह रहा था। और उस बंदे पे गाइस MG3 है, वो काफ़ी देर से बंदों को यहाँ पे मार रहा था, तो मुझे आइडिया था यहाँ पे पंगे नहीं लेने। बाकी यहाँ पे मैं मौली ट्राई करता हूँ जो कि मिस हो जाती है, अभी एक नेट ट्राई करूँगा। मैंने यहाँ पे गाइस यूटिलिटी अच्छे से यूज़ नहीं करी, अगर अच्छे से यूज़ करता तो ये बंदा ईजिली मर जाता, बट कोई ना, होता रहता है। और अभी के लिए देखो मैंने डिसाइड किया कि इस पर अब कुछ देर में पुश किया जाएगा, और यहाँ पे एक और नेट फटता है और मैं फिर कर देता हूँ इस पर पुश। और भाई मुझे वो नेड का सिंबल दिख गया था, तो मुझे समझ आ गया कि भाई मेरे को वहाँ पे नहीं रुकना है, वहाँ से मैं तुरंत से हट जाता हूँ। बाकी यहाँ पे आता हूँ और भाई उस बंदे की पेटी वेटी से जो भी लूट वूट मिलती है सब कुछ उठाता हूँ, थोड़े बहुत स्मोक्स करता हूँ। और अभी देखना भाई यहाँ पे मेरे साथ कुछ एक नेक्स्ट लेवल स्कैम होने वाला है। तो MG3 वाला बंदा भाई गाड़ी उठा के भागता है, तो मुझे लगता है भाई कि जोन कहीं दूर होगा, मैं भी गाड़ी उठा के उसके पीछे निकल जाता हूँ, फिर देखता हूँ जोन तो नज़दीक में ही है, तो फिर गाड़ी वहीं पर रोक देता हूँ तुरंत से ही। तो MG3 वाला भाई पता नहीं क्यों गाड़ी लेके देखो वहाँ पे जाके रुकता है, तो फिर मेरे को याद है जोन तो यहीं पे है। उतने में गाइस आपने नोटिस किया हो तो यहाँ पेड़ पे से एक बंदा फायर करता है, जिसको यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डैमेज दिया, बट वो लेफ्ट चला जाता है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा नेड से फिर से चौक करने वाला हूँ, शायद से मुझे थोड़ा सा ढंग से यूज़ करना था, अगर लेफ्ट साइड में मैं पेड़ के डालता तो वो काफ़ी फ़ायदा दे सकता था मुझे। बट यहाँ पे भाई बंदा लिटर मुझे लगता है वो लोह तो हुआ ही होगा, तो इसलिए मैं भाई पुश कर देता हूँ इस पर। वो तो किस्मत अच्छी थी गाइस कि मेरा वो MG3 वाला मेरे पे फायर लेता नहीं। और अभी मैं यहाँ पे भाई सामने करूँगा मौली खिड़की पे, जस्ट फॉर द सेक कि बंदा वहाँ से आके मेरे को मारने का ट्राई ना करे। और सही मौली थी गाइस, देखो अगर मुझे यहाँ तक आना था तो वो मौली करनी ही थी, वरना भाई वो बंदा उस खिड़की पे आके मुझे मार सकता था। और इसलिए यहाँ पे भाई हम यहाँ पे आ जाते हैं, और अब देखो भाई यहाँ पे सीन होने वाला है। अभी वो MG3 वाला बंदा भाई जोन के बाहर से आएगा, और भाई उसके वो क्या ही सोच के वो आया मुझे नहीं पता। यहाँ पे थोड़ा सा पैन वैन फेंकने का ट्राई होता है, लेकिन जो कि होने वाला नहीं था सक्सेसफुल। तो वो बंदा जोन के बाहर से आएगा, मैं कर दूंगा उस पर डायरेक्ट ही रश, क्योंकि भाई सही है यार, वो लो होगा बंदा, ऑब्वियस ही बात है। तो बंदा देखो आ चुका था जोन के बाहर से,
यहाँ पे भाई इजिली उस बंदे को निपटा देते हैं। बाकी इसी के साथ अपना हो जाता है विनर विनर चिकन डिनर। तो गाइज आपका रैंक पुश कैसा चल रहा है कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते कल वाली वीडियो में गाइज, तब तक के लिए पीस आउट।